नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। श्री राम जी से हमारी यही कामना भी है कि आप लोग स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। मित्रों, आपको मैंने आलखंड की कई कहानियां बतलाई हैं। उसमें एक सुभिया नाम की बेड़न है, जिनका काम है नाच गाना दिखा करके अपना जीव को उपार्जन करना। वो सुभिया बेड़न जादू भी जानती है और ऊदल की शुभचिंतक है, या ये कह दूं कि वह ऊदल को मन ही मन में प्रेम करती है, ऊदल से विवाह करना चाहती है। तो वो जितनी बार भी इनकी सहायता के लिए गई तो सिर्फ इस आशा में गई कि कभी तो ऊदल मुझसे विवाह कर लेगा, लेकिन हर बार मना कर देता था ऊदल, क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता था और वो एक तरीके से जनजातियों की तरह उनका निवास था। तो बार बार ऊदल के मना करने से सुभिया बेड़न मन ही मन में उससे बहुत अधिक क्रुद्ध हो गई। तब उसने सोचा कि क्या करूं, और लेकिन उसकी कोई युक्ति काम नहीं आ रही थी। इसी बीच में आया बिठूर कुंभ का मेला। तब वहां पर मछला ने जाने की जिद की, आला से बार बार कहा कि मैं कुंभ स्नान के लिए जाना चाहती हूँ, इस वर्ष बिठूर का मेला जरूर देखूंगी, वहां पर सिद्धनाथ के दर्शन करूंगी, आदि आदि बातें की। तब आला बेबस हो जाते हैं तो ऊदल से कहते हैं, भाई तुम मछला को लेकर के जाओ और बिठूर स्नान करवा करके लाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी भी राजा से बेमनस न बढ़ने पाए। तब ऊदल कहता है, दादा आप चिंता ना करें, मैं बहुत सावधानी पूर्वक जाऊंगा। इस तरीके से ऊदल और जागन सेना लेकर के मथिला को बिठूर स्नान के लिए ले जाते हैं। वहां पर सभी स्नान दान आदि का कार्यक्रम कुशलता पूर्वक हो जाता है। उसके बाद में वो मेला घूमते हैं और इसी बीच में सुभिया को पता चलता है कि ऊदल बिठूर के मेले में है। तब वो वहां उनके डेरे में जाती है, लेकिन कोई उसको युक्ति नहीं ठहराती कि मैं यहां से कैसे ले जाऊं, क्योंकि सैन्य बल तो था ही, साथ में मछला रानी थी जो कि स्वयं एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, और सुभिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तब वो देखती रहती है और तंबुओं को खाली पाकर मछला के आभूषणों का डिब्बा उठाकर ले जाती है। और जब ये लोग वापस आते हैं तो जल्दबाजी में किसी को उस आभूषणों के डिब्बे का स्मरण नहीं रहता और अपने डेरे तंबू उखाड़ कर चल देते हैं। जब आधे रास्ते आ जाते हैं तब मछला कहती है, देवर तुमने मेरा वो गहनों वाला डब्बा रख लिया है या नहीं? तब ऊदल कहता है, भाभी मैं तो बाहर की व्यवस्थाएं देख रहा था, ये कार्य तो आपका है। तब उथल पुथल होती है। तब ऊदल जागन से कहता है, भैया तुम सेना लेकर महुआ चले जाओ, मैं जाता हूं, वहां पर देखता हूं कहां रखा रह गया। इस तरीके से वो लौट करके गंगा घाट पर आता है। लगभग सारा मेला खत्म हो गया था, केवल सुभिया डेरा लगा हुआ था।
एक तरीके से वो इंतजार में थी कि उगल अभी अपने जेवरों की खोज में आएगा। और जब वहाँ पहुँचता है तो सुभिया से सारा वृत्तांत कहता है कि यहाँ भाभी के जेवरों का डिब्बा रह गया है। तब वो कहती है तुम मेरे साथ चौसर खेलो, तब तक मैं मेरे जो है सहयोगी तुम्हारा जेवरों का डिब्बा ढूंढ कर लाते हैं, भले ही वो गंगा नदी की तलहटी में पड़ा हो तो भी वो जाल डालकर निकाल लेंगे। इस तरीके से उधर वहां पर चौसर के खेल में व्यस्त हो जाता है और सुभिया अपना जादू चलाते हुए उसको तोता बना लेती है। और जैसे ही उधर तोता बनता है तो वो अपना तंबू भी उखाड़ कर चल देती है, जाकर पहुंचती है राजा पृथ्वीराज के यहाँ। कहती है महाराज मैंने आपके जन्म के बैरी को तोता बना लिया है, अगर आप यहाँ मुझे रुकने की जगह दे दें तो मैं यहीं रह जाऊं। तब पृथ्वीराज कहते हैं कि मैं आला से बैठे बिठाए बैर मोल नहीं लूंगा, मेरा आला से अभी कोई ऐसा बैर नहीं है जिसकी वजह से हमारा उनका सामना हो। और पृथ्वीराज अपने राज्य से उनको चले जाने को कहते हैं। तब वो जाकर के फिर जूनागढ़ में ही पहुंचती है जो राजा गजराज सिंह के पास में ही पड़ता था। इस तरह से सुभिया अपने डेरे तंबू जूनागढ़ में लगा देती है। और इधर मछला को महोबा पहुंचे हुए काफी दिन हो चुके हैं, तब उसे भारी चिंता होती है। तब वो आला से आला को बुलाकर अपने पास में कहती है कि आपका छोटा भाई मेरे जेवरों का डिब्बा ढूंढने गया था, एक महीने से ऊपर हो गया अभी तक नहीं आया, आप कोई पता लगवाएं। तब आला कहते हैं उधर छोटे नहीं है, वो स्वयं लौट आएंगे और फिर अगर कहीं वो चला गया होगा तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो किधर है। और जब इस तरीके की बातें सुनती है आला की, तब मछला मन में ये सोचती है कि इसे कहने का कोई लाभ नहीं है, और वो स्वयं चील का वेश बनाकर हर नगरी हर राज्य में जाकर के तलाश करती है उदल को। जब कहीं नहीं मिलता है उदल तो हताश होकर के जूनागढ़ के जंगल से निकल रही थी और अकस्मात उसकी नजर पड़ जाती है सुभिया बेड़न के ऊपर। वहीं पर उसने देखा कि वो एक पिंजरे में एक तोता टांगे है और उसको हरे बांस से मार रही है और कहती है कि या तो खुदा जपो नहीं तो फिर जो है बांस की मार तो पड़ना तय ही है। तब वो जाकर चुपचाप वो दृश्य देखती रहती है। और जब सुभिया वहां से चली जाती है तब वो पिंजरा उतार कर उसको मानुष के रूप में लाती है तो वो उदल होता है। वो कहती है चलो देवर मैं तुम्हें खोजते हुए यहाँ तक आई हूँ। तब उदल कहता है भाई मैं ऐसे नहीं जाऊंगा चोरों की तरह, मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा, और अगर आला को उदल प्यारे हो तो सेना सजा करके लाएं और इनसे लड़कर मुझको ले जाएं। जब ऐसी बात सुनती है मछला तो उसे पुनः तोते के रूप में परिवर्तित कर उसी बरगद की डाल से टांग देती है और चल देती है महोबा की ओर। आला को आकर सारा वृत्तांत बताती है। तब आला जो है अपना भारी लश्कर तैयार करते हैं और पहुंचते हैं। तब जो है
वहाँ पर मछला फिर जाती है और उड़ल के पिंजरे को लेकर के आती है, और इस तरीके से उड़ल को आल्हा से मिलवाती है। उसके पश्चात आल्हा जो है युद्ध का परवाना भेजते हैं और वहाँ से सुबिया अपने सारे वीरों को लेकर के आती है और वो जादू चलाने का प्रयास करती है, लेकिन मछला के कारण उसका जादू चल नहीं पाता है। तब दोनों चील के रूप में आकर के द्वंद्व युद्ध करती हैं और इधर आला की सामर्थ्य के आगे वो मुट्ठी भर सैनिक क्या करते तो उनकी सेना पराजित होने लगती है और अंतोगत्वा आसमान से लड़ते हुए वो चील रूप से जमीन में आ गिरती हैं। उसी बीच इंदल उसका जो है जूड़ा काट लेता है। तब सुबिया का सारा जादू निष्फल हो जाता है और इस प्रकार वो साहस उड़ल को लेकर के वापस आते हैं। तो मित्रों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। आप सब लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार।